मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि हैप टू हैप क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। हैप टू हैप का मतलब होता है नीड टू पोसेस, यानी रखना जरूरी है या रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको कहना हो आपको एक कार रखना जरूरी है या आपको एक कार रखना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू हैव अ कार। आपको आधार कार्ड रखना जरूरी है या आपको आधार कार्ड रखना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू हैव आधार कार्ड। आपको पानी रखना जरूरी है या आपको पानी रखना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू हैव वाटर। आपको किताबें रखना जरूरी है या रखना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव टू हैव बुक्स। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि जब सब्जेक्ट के साथ हैव टू हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा रखना जरूरी है या रखना है। कई बार इसका मीनिंग रखना पड़ता है भी होता है। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, यानी कोई तीसरा हो और अकेला हो, तो आप हैव टू हैव के जगह पर हैज टू हैव बोलेंगे। जैसे उसे पैसा रखना जरूरी है या उसे पैसा रखना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज टू हैव मनी। अगर आपको कहना हो कि जेबा को मोबाइल रखना जरूरी है या रखना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे जेबा हैज टू हैव अ मोबाइल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हैव टू हैव और हैज टू हैव का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई चीज रखना जरूरी है या रखना पड़ता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे हैव टू हैव। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो आप कहेंगे हैज टू हैज। अगर बात पास्ट की हो, जैसे आपको एक मोबाइल रखना जरूरी था या आपको एक मोबाइल रखना था या एक मोबाइल रखना पड़ा, तो इन तीनों सेंटेंसेस के लिए आप कहेंगे यू हैड टू हैव अ मोबाइल। यानी अगर आपके सेंटेंस पास्ट में है तो आप हैड टू हैव का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आपको एक लैपटॉप रखना जरूरी था या आपको एक लैपटॉप रखना था या रखना पड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैड टू हैव अ लैपटॉप। आपको पैसा रखना था या रखना पड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैड टू हैव मनी, यानी आपको पैसा रखना पड़ा। और अगर आपके सेंटेंस फ्यूचर में हो तो आप विल हैव टू हैव का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे आपको मोबाइल चार्जर रखना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल हैव टू हैव अ मोबाइल चार्जर। आपको बिस्किट रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव बिस्किट। आपको इंग्लिश का नॉलेज रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आपको कुछ रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू हैव समथिंग। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि हैव टू हैव, हैज टू हैज और विल हैव टू हैव क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।